आप सभी का स्वागत है माइंड काफ़ इंडी गेमिंग सीज़न 2 के एक और भाग में। और पिछले भाग में हमने वो टर्टल फार्म तो नहीं कहेंगे, छोटा सा मैंने पॉन्ड एरिया बनाया था, कवर अप करा था जहाँ पर टर्टल्स रहेंगे ताकि हमें टर्टल एग्स मिल सके काफ़ी सारे। और क्या करा था, और थोड़े से हमने ट्रेजर चेस्ट ढूंढे थे, एक विलेज पे गए थे। और इस बार हम बनाने वाले हैं AFK फिशिंग फार्म, ताकि हम अर्ली गेम काफ़ी सारी चीज़ें और एन्चैंटमेंट्स, बो, फिशिंग रॉड्स अच्छी और काफ़ी सारा एन्चैंटमेंट ले सके, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स गैदर कर सकें उस चीज़ों से, उन चीज़ों की हेल्प से। ठीक है, हमारे पास अभी सिर्फ एक डायमंड है, 3 हार्ट ऑफ सी है और कुछ प्रिज्मरीन क्रिस्टल्स हैं और 31 एमरल्ड्स हैं। नॉइस, और बाकी कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। एक डायमंड पिकैक्स बना ली है, इसके लिए मुझे एन्चैंटमेंट चाहिए ताकि मैं इसे अच्छी पिकैक्स बना सकूं। ओके, तो हम बनाने वाले हैं एक AFK फिशिंग फार्म। ठीक है, तो चलिए, मैंने इसके लिए जगह सोच के रखी है कि मैं किस तरह बनाऊंगा इसे। ये रहेगी यहाँ पर, ये एरिया थोड़ा खाली है, सैपलिंग मिला है, नाइस। Whoopsie, yepple। ओके, तो यहाँ पर ये एरिया है, इसमें बनाऊँगा मैं अपना AFK फिशिंग फार्म। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए रहती है आपको, मैंने इस चेस्ट में डाल दी। इसमें हॉपर एक रहेगा इनिशियल आपको बनाने के लिए, फिर आपको उसमें अगर चेस्ट ऐड करना है तो और ज़्यादा हॉपर्स आप लगा सकते हैं इसमें। 2 ट्रिप वायर हुक, स्ट्रिंग, आयरन ट्रैप डोर और नोट ब्लॉक, रेड स्टोन्स, कुछ ब्लॉक्स, चेस्ट, फिशिंग रॉड फिशिंग करने के लिए, और स्टेयर्स चाहिए हैं, और एक वाटर बकेट चाहिए बस। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक और चीज़ कि ट्रिप वायर अगर आपको पता नहीं कैसे बनाते हैं तो सिंपल है। क्या चाहिए हमें, नहीं ठीक है, एक रॉड रखिए, नीचे एक प्लैंक रखिए और ऊपर आप आयरन ग्रेट रखिए, देखिए आपका ट्रिप वायर बन जाता है ऐसा सिंपल। और आयरन ट्रैप डोर के लिए सिर्फ ये जमाइए और ये आपका आयरन ट्रैप डोर बन गया, इजी है। ठीक है, बाकी नोट ब्लॉक बनाना है आपको, नोट ब्लॉक के लिए आपको एक रेड स्टोन चाहिए रहता है, रेड स्टोन बीच में रखिए और आस पास ब्लॉक्स जमा दीजिए नोट, और ये आपका नोट ब्लॉक आ गया, ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिग करते हैं ये एरिया, और बारिश भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम हमारा चेस्ट रखते हैं, 2 चेस्ट रखते हैं और एक हॉपर जो इससे कनेक्टेड रहेगा, ये लगा दिया। उसके बाद हमें लगाना है, क्या कहते हैं, ब्लॉक्स लगाने, ये रहा, तो इसको आप लगाइए फर्स्ट, जो स्टेयर्स रहेगी उसको आप इस तरह लगाइए एक। ठीक है, और फिर मैं ये बीच में हेल्पिंग ब्लॉक लगा रहा हूँ ताकि मैं दूसरे ब्लॉक्स प्लेस कर सकूँ आसपास। एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे, और आपका जो नोट ब्लॉक है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ, और इसको फिर हटा दीजिए आप बीच वाले ब्लॉक को, ये देखिए सीधे चेस्ट में चले गया डर्ट ब्लॉक। उप्स, इसको एक इधर मुझे वो लगाना है, सॉरी, ताकि हम हमारा जो ठीक है ये हो गया। अब और हेल्पिंग ब्लॉक लगा देता हूँ मैं, ताकि मैं ये ब्लॉक्स प्लेस कर सकूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और इन बीच में से इनको हटा दीजिए, गुड। अब मैं रेडस्टोन लगाता हूँ, रेडस्टोन हमें बाहर की तरफ लगाना है, एक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पर प्लेस कीजिए, ये हो गया हमारा, कनेक्ट हो गया नोट ब्लॉक। अब हमें चाहिए ट्रैप डोर, ट्रैप डोर लीजिए और उसे लगाइए सीधे यहाँ पे। ठीक है, और लास्टली बकेट, और इसे फिलअप कर दीजिए यहाँ पर, इसके बीच में डालिएगा वाटर, और फिर हम लगाते हैं स्ट्रिंग और ट्रिप वायर हुक,
जो कि लगेंगे आपके यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक और चीज़ यहाँ पर भी एक ब्लॉक प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और फिर लगाइए आप स्ट्रिंग, ये लग गई स्ट्रिंग, और ब्लॉक प्लेस करिए और इजी पीजी हमारी मेंडिंग का आ गई फिशिंग रॉड, ये रही। और एक और चीज़, ये वाला जो है हिस्सा, इसको आप ओपन रखें, जो विजिबल लाइट जो स्काई लाइट है उस पे पड़नी चाहिए इस ब्लॉक पे जहाँ पर पानी डाल के रखा है आपने। आप या तो इसके ऊपर एक ग्लास ब्लॉक लगा सकते हैं, ग्लास ब्लॉक है नहीं हमारे पास, एक आ रहा है शिकारी, इसको पहले मारते हैं। मैं स्लीपिंग अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फैंटम से लड़ना है और फैंटम मेम्ब्रेन लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा डिज़ाइन, और फिर स्टार्ट कीजिए। देखिए हमने एक पफर फिश पकड़ी है, ये देखिए एक और। तो ये हमारा जो फिशिंग फार्म है वो काम कर रहा है। उप्स, एक ड्रोनर आ रहा है हमारी तरफ, वो देखिए लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन में हमको देखते हुए इधर बढ़ रहा है, इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे। एक और कुछ तो आया हमारे पास, हमारा उप्स मम्मी। और इन लोगों से आपको अगर आपका फिशिंग फार्म बचाना है तो इसको एक क्लोज सिस्टम में बनाएं, क्योंकि सिंगल प्लेयर है इसलिए मैं इसको ओपन सिस्टम में रखा है, पर मैं इसको क्लोज करूँगा, एक इसके आसपास स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि इन लोगों से बच सकूं मैं जो मुझे मारते रहते हैं। और एफ के जाएं तो कभी भी ऐसे छोड़ के ना जाएं खुला, ठीक है, बंद करके जाएं इसे, ठीक है। तो अच्छी चीज़ यह थी कि मुझे मेंडिंग की एक किताब मिली थी, बुक मिली थी शुरू में ट्रेजर से, तो इसलिए मैंने एक मेंडिंग का फ़िशिंग रॉड लगा बना दिया, उसको फ़िशिंग रॉड में लगा दिया है मेंडिंग को। तो ये है आपका फ़िशिंग फार्म, एएफ के फ़िशिंग फार्म, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, स्टेयर से किधर लगानी है किधर लगानी है, इसको फेसिंग करके दो ब्लॉक्स इधर और बीच में हॉपर लगाना है, उसके ऊपर जस्ट एक ट्रैप डोर और इस वॉल पे दो ट्रिपर और बीच में स्ट्रिंग, और फिर इस ब्लॉक से आपको नोट ब्लॉक तक रेड स्टोन डस्ट लगाना है, ठीक है। और ये आपका तैयार हो गया, और जैसे ही आप पकड़ेंगे तो ये आपकी देखिए पफर फिश और एक सैमन आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे एफ के जाना है और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो ये है हमारा एफ के फ़िशिंग फार्म। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ एफ के फ़िशिंग फार्म के बारे में ही बता रहा हूँ ताकि आप ईज़िली इसे देख ले, और हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड से हम अपना काम शुरू करेंगे अगला जो हमको बनाना है, ठीक है। बहुत ही सस्ता और ईजी ये है, आपको पाँच आयन चाहिए रहेंगे मैक्सिमम इसके लिए, ठीक है। तीन रेड स्टोन, एक नोटबुक बनाने के लिए, एक आपको वायरिंग डस्ट देने के लिए वहाँ पर, और पाँच आयन उसके एक्स्ट्रा हॉपर बनाने के लिए चाहिए रहता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। वो फैंटम आए रे, दो वो भी, मैं मरा। फैंटम से बचना है ना तो आप ऐसी जगह पे खड़े रहें जहाँ ट्रीज हो, क्योंकि वो फंस जाते हैं। देखिए तीन फैंटम है, मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, आओ बच्चू, क्योंकि ये फंस जाते हैं पेड़ के नीचे और आप इन्हें मार सकते हैं। फंस गया है, मेरे पास अभी डायमंड सॉर्ड नहीं है, और एक मकड़ी भी मेरे पास आ रही है, सारे निशाचर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, चले जाओ यहाँ से। ये देखिए बेस्ट तरीका, खुले में भागेंगे तो आप मरोगे, इसलिए खुले में ना भागे, पेड़ के नीचे रहें जहाँ पर आपको हाइड आउट मिल रहा है। ये नीचे एकदम डाइव करते हैं, डाइव बॉम्ब करते हैं और फंस जाते हैं ट्री में।
मेरे पास एक्स होनी चाहिए थी, एक्स से डैमेज ज़्यादा मिलता है। मेरे पास आयन भी ख़त्म हो गया है, और मेरे पास बो भी नहीं है पावर वाला जिससे मैं इनका शिकार कर सकूं। एक मरा, कुछ मिला? नहीं मिला। कहाँ गया? आ जाओ। गया। और हमें एक फैंटम मेम्ब्रेन मिली है। नाइस। व्हूप्स, ये रही। सुबह होने ही वाली है, और सुबह दिन हो जाता है तो ये जलने लग जाते हैं। भाग गया साला। गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। नोप। ओके, तीन फैंटम मरे और मुझे मिली है एक फैंटम मेम्ब्रेन। इसका यूज़ मुझे अभी तक पता नहीं है क्या है, देखना पड़ेगा। तो ओके गाइस, तो हमने हमारा एफके फिशिंग फार्म बना लिया है और कुछ फैंटम्स को भी मार दिया है। नाइस। ये मेरी दूसरी फैंटम फाइट थी इस सीज़न 2 की। ठीक है, तो हमें मिला है फैंटम मेम्ब्रेन। गुड। और बहुत ही इजी और कॉम्पैक्ट फिशिंग फार्म है। अगर आप चाहें तो आपके सिंगल प्लेयर वर्ल्ड पे आप बना सकते हैं और ट्राई करके देख सकते हैं कैसा चलता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं इसमें और क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ या आप कुछ कर सकते हैं। तो अंटिल देन, बाय बाय।